हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी सारे जितने भी आरबीआई के कैंडिडेट हैं वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस रिजल्ट 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो दिन भर में कम से कम डेली 3 से 4 बार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि आरबीआई के तरफ से क्या ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट यहाँ पर जारी की गई है या नहीं की गई है, या आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस को लेकर कोई नोटिस प्रकाशित की गई है कि नहीं की गई है। आखिर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है, आखिर डिले की वजह क्या है। कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट कब आएगी, क्योंकि उनके बाद उनकी यहाँ पर एलटीपी टेस्ट है जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस होती है, क्योंकि आपको लैंग्वेज और साथ ही यहाँ पर आपको रीडिंग सेक्शन पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी जाकर आप जो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की जो एग्ज़ाम है वहाँ वो क्लियर कर पाएंगे। पर दोस्तों, आप सभी का यह सवाल है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट कब जारी होगी, यानी कब। आखिर कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल डेली उठता है कि आखिर क्या आज जारी होगी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट, आखिर क्यों नहीं आरबीआई रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट जारी कर रहा है, आखिर क्या वजह है, किस वजह के कारण भर्ती की प्रक्रिया में इतनी डिले चल रही है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया भी अब स्टार्ट हो चुकी है जिसके कारण ऑफिस अटेंडेंस की जो रिज़ल्ट है उसे जल्द से जल्द डिक्लेयर कर देना चाहिए और साथ ही यहां पर जो एलपीटी टेस्ट है उनके लिए कैंडिडेट को यहां पर प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी उन्हें वक्त चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो मुश्किल टेस्ट होती है यह टेस्ट जिसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट को यहाँ पर क्वालिफाइड कर पाएंगे, उनकी जॉब को ले पाएंगे। पर यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली मैंने अभी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर बात किया। पर दोस्तों, बात करने के बाद उनके तरफ से क्या रिप्लाई आया वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरटीआई भी फाइल किए जा रहे हैं और साथ में ट्विटर कैंपिंग भी चलाई जा रही है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की जो रिज़ल्ट है जल्द से जल्द जो है जारी की जाए। पर यहाँ पर आप सभी की रिज़ल्ट को लेकर आरबीआई कोई भी गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसको लेकर कैंडिडेट पूरे तरह से संतुष्ट हो सकें कि अब जो हमारी रिज़ल्ट है इस समय आने वाली है तो अब जो है हमें अपनी एलटीपीटी टेस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़िया करना चाहिए। पर दोस्तों, कर्मचारियों का क्या अपडेट है मैं वो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड से बात किया था आरबीआई रिक्रूटमेंट बोर्ड से ऑफिस अटेंडेंस रिजल्ट को लेकर, उनका क्या जवाब आया है ये भी आप जान लीजिए। जब मैंने उनसे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस रिजल्ट को लेकर उनसे जब पूछा कि सर जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस की रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिले हो चुकी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं इस चीज़ को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर आरबीआई के तरफ से कब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, कब इसकी मेरिट जारी की जाएगी, कब इसकी रिजल्ट जारी की जाएगी, तो डायरेक्ट दोस्तों मैंने कम से कम 30-40 सेकंड कम से कम उनसे जो है वार्तालाप की, जबकि उनका बार बार यही रिप्लाई आ रहा था कि हम ऐसे जो है इंफॉर्मेशन आउट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसके कारण मैं आपको एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकता हूँ ना मंथ बता सकता हूँ, जैसे ही रिजल्ट बन जाएगा प्रिपेयर्ड हो जाएगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखने को मिल सकती है। उनका बार बार यह कहना था कि आप जो है 2 से 3 बार आप डेली टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करते रहिए, आपकी रिज़ल्ट है वो कभी भी आ सकती है, ये हम आपको ऑफिशियली तरीका से नहीं बता सकते हैं कि इस समय आएगी या इस समय आएगी या इस मंथ में आएगी, इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। उनका बार बार यही जवाब था कि जो रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग है वो आपको जल्द ही आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है, इनसे ज़्यादा हमें अपडेट नहीं मिल पाए, क्योंकि जो उनकी जवाब होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि उन क्लियर नहीं रहता है कि इस समय कैंडिडेट को रिजल्ट को लेकर आपको घोषणा की जा सकती है, जैसे और सारे विभागों में इस चीज़ को कहा जाता है कि इस समय रिजल्ट आ जाएगी, पर आरबीआई के तरफ से जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके तरफ से ऐसा कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाया कि हम आपको सपोज दैट बता सके कि एग्जैक्टली इस महीने या इस दिन के अंदर या इस वीक के अंदर जो है आपकी रिजल्ट जारी हो जाएगी। डायरेक्ट उनका कहना था जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी होगी आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट को आप दिन से 2 या 3 बार चेक करते रहिए, रिजल्ट उस समय कभी भी आ सकती है।
तो यहाँ पर दोस्तों उनके बात के अनुसार जो हमें लग रहा था कि जो RBI ऑफिस अटेंडेंस की जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकती है, जैसा कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो जून में ही जारी होगी, पर कितने बजे कब किस समय जारी होगी यह किसी को बारे में ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप काफ़ी सारे जो है वेबसाइटों पर विज़िट करेंगे जिसमें कि बताया जा रहा है कि जून के सेकंड वीक, थर्ड वीक, कोई फोर्थ वीक में, पर ये पूरी डिक्लेयर है कि जून के महीने में आपकी RBI रिज़ल्ट आने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैं अपने जो इन्फॉर्मेशन के कारण जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताना चाह रहा हूँ कि जो RBI ऑफिस अटेंडेंस की जो रिज़ल्ट है, जब मैंने कर्मचारियों से बात किया उनके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो यहाँ 15 जून से पहले आपकी जो है RBI ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाएगी, जहाँ तक मुझे संभावना लग रही है। क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड है जो उनसे वार्तालाप करके मुझे लगा कि जो RBI ऑफिस अटेंडेंस की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ 15 जून से पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही अपडेट आ रही थी जो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।